पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दी भारत को बड़े युद्ध की धमकी। क्या तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब तीनों मिलकर कर रहे हैं भारत पर बड़े हमले की तैयारी? क्या कश्मीर छीनने के लिए रावलपिंडी में चल रही है तीनों देशों की मीटिंग? पाकिस्तानी पीएम काकड़ ने भारतीय सेना के खिलाफ उगला जहर, बोले हम भारत पर हमला करेंगे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में चुनाव नजदीक है, ऐसे में पाकिस्तान भड़काऊ बयान दे रहा है। खबर आई है कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक बेहद खुफिया मीटिंग चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि इस मीटिंग में ये तीनों मुस्लिम देश मिलकर भारतीय कश्मीर पर हमला कर सकते हैं। ओआईसी ने हाल ही में कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था, तो ऐसे में क्या 57 मुस्लिम देश मिलकर भारत से कश्मीर ले लेंगे? देखिए, मेरे अनुसार ये 57 तो क्या 100 मिलकर भी आएंगे तब भी कश्मीर का एक इंच भी जमीन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इन्हें भारत की सैन्य ताकत का अंदाजा अच्छे से है। हालांकि सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान की खुफिया मीटिंग भारत के लिए मुसीबत जरूर पैदा कर सकती है, क्योंकि ये तीनों देश मिलकर पूरी दुनिया में आतंक फैलाने का काम करते हैं। ऐसे में अगर इन्होंने ठान लिया तो कश्मीर को अस्त व्यस्त कर सकते हैं। हालांकि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की की हालत इस वक्त ऐसी नहीं है कि वो भारत से सीधे तौर पर पंगा ले सकें। दरअसल इन तीनों देशों की अर्थव्यवस्था का हाल बुरा हो चुका है। पाकिस्तान के बारे में तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, वहीं तुर्की में इन्फ्लेशन 65% के पार हो चुका है, जबकि सऊदी का कोई तेल खरीद नहीं रहा। वो डिस्काउंट पर डिस्काउंट दिए जा रहा है, फिर भी उसका तेल बिक नहीं रहा, जिसके कारण सऊदी की अर्थव्यवस्था भी क्रैश होने वाली है। सऊदी का मानना है कि अगर उसकी अर्थव्यवस्था को कोई डूबने से बचा सकता है तो वो भारत है। उसने भारतीय मंत्री स्मृति ईरानी जी के लिए अपने मक्का मदीना मस्जिद का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद वो बिना बुर्का पहने मदीना में चारों तरफ खुलेआम घूम रही हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का धमकी भरा बयान सुनकर भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी हैरान है। जिस देश के पास 1 किलो प्याज खरीदने के लिए 240 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, आखिर वो भारत से युद्ध कैसे लड़ेगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया द न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तानी पीएम काकड़ ने कहा, अगर लोकसभा चुनाव से पहले भारत ने 2019 में हुई ब्लैकआउट स्ट्राइक जैसा हमला किया तो पाकिस्तान इसका वैसे ही जवाब देगा जैसा 2019 में दिया था। इन्होंने अचानक ऐसा बयान इसलिए दिया क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल है। इन्हें भी पता है कि ये युद्ध करके भारत का एक बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अपनी जनता को गुमराह करने के लिए भारत को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया चैनल के एक पॉडकास्ट के दौरान काकड़ ने कहा कि हम उनके विमानों पर हमला करेंगे, हमारी गोलियां या हमारा संकल्प कुछ भी पुराना नहीं है, हमारे पास गोलियां भी नहीं है और हमारा दृढ़ संकल्प भी काफी नया और ताजा है। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री साहब ये बताना भूल गए कि इनका दृढ़ संकल्प तो ताजा है लेकिन बैंक अकाउंट खाली है। बिना पैसे और खान पान के ये युद्ध कैसे लड़ेंगे, जरा इसके बारे में भी आप बता देते तो अच्छा होता। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने बीते कुछ सालों में अपनी सैन्य ताकत को काफी बढ़ाया है। पाकिस्तान का सपना है कि वो एक दिन भारत का कश्मीर ले लेगा। इसी तरह का झूठा सपना दिखाकर चीन उसे कबाड़ हथियार और हेलीकॉप्टर बेचता है और खूब पैसा कमाता है। सच्चाई तो यह है कि पीओके के लोग वापस भारत में शामिल होने के लिए कई बार सीमा तोड़ने को तैयार हो चुके हैं। भारत सरकार भी उनके नेताओं के लिए वहां की सभा में सीट सुरक्षित रखे हुए है और हर एक भारतीय का सपना है कि पीएम मोदी जल्द से जल्द पीओके वापस ले आएंगे। पाकिस्तानी पीएम ने आगे कहा, किसी को भी पाकिस्तान की प्रतिक्रिया को लेकर भ्रम में नहीं रहना चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए हमारा डिफेंस मैकेनिज्म तैयार है। पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक कश्मीर मुद्दे का समाधान नहीं निकल जाता तब तक दोनों देशों के बीच विवाद जारी रहेगा और ये कभी भी बढ़ सकता है। दोस्तों, अब आप ही बताइए, काकड़ साहब का ये बयान गीदड़ भभकी नहीं है तो और क्या है? वो कह रहे हैं कि कभी भी विवाद बढ़ सकता है। वो अगर इस बात की चिंता कर लेते कि देश की महंगाई कैसे कम की जाए तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि पाकिस्तान के गरीब लोग 240 रुपए प्याज खरीदने में सक्षम नहीं है। भारत ने केवल प्याज पर बैन लगा दिया है तो पाकिस्तान का ये हाल हो चुका है कि उनकी प्लेट से प्याज गायब हो गया। जरा सोच कर देखिए, जब ब्रह्मोस आग उगलेगा तब ये पाकिस्तानी कहां भागेंगे। पाकिस्तान में फरवरी में होने वाले चुनाव पर बात करते हुए काकड़ बोले, खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों में आतंकी हमलों का खतरा है। मेरे हिसाब से अब जाकर इन्होंने सच बोला है। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त आतंकवाद है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये झूठ मूठ का भारत को धमकी दे रहे हैं। बलूचिस्तान के मुद्दे पर काकड़ ने कहा, यहां BLA, BRA और BLF जैसे आतंकी संगठन सक्रिय हैं, जिन्हें पाकिस्तान के बाहर भी आतंकवादी माना जाता है। तहरीक तालिबान के मुद्दे पर पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि अफगानिस्तान सरकार से बातचीत जारी है
उनके बर्ताव में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। दोस्तों ये अभी बातचीत ही कर रहे हैं, तब तक उधर टीटीपी ने पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा करके सरकार चलाना भी शुरू कर दिया। अब आइए जरा समझते हैं कि आखिर तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी जैसे तीनों मुस्लिम देश गुप्त मीटिंग क्यों कर रहे थे। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हथियारों की टेक्नोलॉजी शेयर करने के मुद्दे पर चर्चा की। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि टेक्नोलॉजी शेयर का मुद्दा बनाकर ये लोग कश्मीर पर भी चर्चा कर रहे होंगे। ये चर्चा पाकिस्तान के रावलपिंडी में आयोजित की गई। इसमें तुर्की और सऊदी अरब के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी सेना की प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ने बयान जारी कर कहा कि सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने सैन्य प्रौद्योगिकियों में संभावित सहयोग पर चर्चा की। ISPR ने यह भी बताया कि परमाणु हथियारों की तकनीक पर भी ये समझौता लागू होगा कि नहीं। मुस्लिम जगत में पाकिस्तान इकलौता देश है जिसके पास परमाणु बम की तकनीक है। ये भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस मीटिंग के दौरान गुपचुप तरीके से सऊदी और तुर्की को भारी भरकम रेट पर परमाणु टेक्नोलॉजी बेच सकता है। इन तीनों देशों के टारगेट पर न केवल ईरान है बल्कि अमेरिका भी चाहता है कि ये तीनों मजबूत रहें। अगर ये तीनों देश मिलकर भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रहे हैं तो इसकी भनक अब तक भारत सरकार को लग गई होगी। जानकारों का मानना है कि राम मंदिर उद्घाटन के क्रम में भारत के अंदर बड़ा धमाका हो सकता है, जिसके मद्देनजर भारत की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी की गई। ऐसे में अगर ये तीनों देश मिलकर भारत के खिलाफ कोई भी साजिश कर रहे होंगे तो फिर भारत चुप नहीं बैठेगा और पाकिस्तान में घुसकर जवाब देगा, जैसे कि 2019 चुनाव के समय दिया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को CRPF के 78 वाहनों के काफिले पर आतंकी हमला किया गया था। विस्फोट में 40 जवान शहीद हो गए थे। यह आतंकी हमला आम चुनाव से ठीक पहले हुआ था। इसके दो हफ्ते बाद ही 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमान ने रात के अंधेरे में LOC पार कर पाकिस्तान के खैबर पुख्तनवा के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की। हमले के बाद भारत के तत्कालीन विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा था कि इस स्ट्राइक में बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकी, उनको प्रशिक्षण देने वाले, संगठन के बड़े कमांडर और फिदायीन हमलों के लिए तैयार हो रहे जिहादियों को खत्म कर दिया गया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्यवाही की कोशिश की। भारत ने दावा किया था कि डॉग फाइट में भारतीय वायुसेना के MiG-21 ने पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 को मार गिराया। बाद में विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान का MiG-21 क्रैश हो गया और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जा गिरा। इसके बाद पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दबाव में दो दिन बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। दोस्तों आप हमें इस विश्लेषण के बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।